हेलो दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑन पेज एसईओ के बारे में, जिसको हम लोग ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं हम लोग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तीन तरह के होते हैं। पहला ऑन पेज एसईओ, दूसरा ऑफ पेज एसईओ, तीसरा टेक्निकल एसईओ। तो जनरली दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ऑन पेज एसईओ के बारे में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑन पेज एसईओ एक तरह का ऐसा ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है जिसको हम लोग साइट पे वेब पेजेस पे ही ऑप्टिमाइज करते हैं, जिसका पूरा कंट्रोल हम लोग के हाथ में होता है। 100% कंट्रोल हम लोग का हाथ में होता है ऑन पेज एसईओ का। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे वेबसाइट पे जो भी हम लोग चाहते हैं कि टारगेट जो हमारा कंटेंट है, अपने टारगेट ऑडियंस को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च इंजन में विजिबिलिटी पाएँ और सर्च इंजन में रैंकिंग इम्प्रूव हो, तो इस वे में हम लोग ऑप्टिमाइज़ करें उस पेज को, तो इस उसको ही हम लोग ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। तो जो ऑन पेज एसईओ होता है, जनरली दोस्तों जो पेज होता है, जो यूआरएल होता है, उसी को स्पेसिफिक हम लोग ऑप्टिमाइज़ करते हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आगे हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, अगर इसको डिफिनेशन के वे में अगर ऑन पेज एसईओ को हम लोग बोलें, तो एक तरह का ऐसा प्रैक्टिस है जिसको वेब पेज को हम लोग ऑप्टिमाइज़ करते हैं कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए, जो हमारे सर्च विजिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, हमारे साइट की ट्रैफिक बढ़ाता है, साइट पर ट्रैफिक बढ़ाता है। तो दोस्तों, एक तरह का ये प्रैक्टिस है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसको हम लोग को हमेशा करना होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो ऑन पेज एसईओ है, जितने भी एसईओ टेक्निक्स हैं, हमेशा अपने साइट को ऑन गोइंग यानी हमेशा करना होता है। चाहे आपका रैंक नंबर वन पर ही क्यों ना हो, उसको मेंटेन रखने के लिए अगर आप उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे, तो वो आपके जो कंपटीटर हैं जो उससे आगे निकल सकते हैं। तो इसलिए हमेशा उस बात को ध्यान रखना होता है, हमेशा उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होता है दोस्तों। तो जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो ऑन पेज एसईओ में इन्वॉल्व प्रोसेस होता है, स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं जो पेज पे ही होते हैं, जैसे कि उसके टाइटल टैग्स हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, उस पेज का हेडिंग्स क्या यूज़ कर रहे हैं, कंटेंट में कीवर्ड्स क्या हैं, इंटरनल लिंकिंग क्या है, लिंक्स क्या हैं, ये सब हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसको हम लोग इसको स्पेसिफाई करते हैं और देखते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, ऑन पेज एसईओ के रैंकिंग फैक्टर क्या है जिसको हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो पेज पे हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिसको इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें है यूआरएल, टाइटल टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग टैग्स, ऑल टैग्स एंड कीवर्ड्स, जिसमें साथ में कंटेंट, स्पीड, वेबसाइट की स्पीड्स या इंटरनल लिंकिंग, इमेजेस, मोबाइल फ्रेंडनेस, ये सभी फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग को ऑप्टिमाइज करना होता है। तो दोस्तों, कुछ एग्जांपल्स हैं ऑन पेज एसईओ के जिसको हम लोग को काम करना होता है, जैसे कि जो भी टाइटल टैग्स हैं या मेटा डिस्क्रिप्शन हैं उसको ऑप्टिमाइज करना होता है, जो भी हमारा आर्टिकल है उसको इन डेप्थ एंड क्वालिटी कंटेंट लिखना होता है, साथ में जो भी हमारा साइट का कोड है उसको क्लीन करना होता है, क्लीन में लिखना होता है, जो गूगल के क्रॉलर हैं उसको आसानी से क्रॉल कर सकें, साथ में जो हमारा साइट नेविगेशन है उसको स्ट्रीमलाइन करना होता है, और साथ में हमारे वेबसाइट की स्पीड को भी इम्प्रूव करना होता है दोस्तों। तो साथ में देखें कि हम लोग जो टेक्निकल एसईओ होता है, ऑन पेज एसईओ लगभग सेम होते हैं, जिसमें हम लोग टेक्निकल एसईओ में पूरे वेबसाइट का टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस करते हैं, और ऑन पेज एसईओ में किसी स्पेसिफिक यूआरएल, किसी स्पेसिफिक वेब पेजेस को हम लोग फोकस करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। तो दोस्तों, ये बेसिक सा अंतर है। साथ में हम जानते ही हैं कि ऑफ पेज एसईओ में जो भी हम लोग ब्रांड अवेयरनेस या बैक लिंकिंग्स करते हैं अपनी वेबसाइट के अलावा दूसरे वेबसाइट्स पे, उसको हम लोग ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। तो दोस्तों, ये रहे बेसिक से ऑन पेज एसईओ के बारे में। आप देख सकते हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।